मोटिवेट कराती है। इस वीडियो में मुझे आपसे एक बुक के बारे में शेयर करना है। मुझे इतनी ज्यादा डेस्परेट रेशन हो रही थी कि मुझे लगा कि यार अब कुछ भी हो जाए, नेक्स्ट वीडियो हम बुक पे करने वाले हैं। द बिगेस्ट रीजन इज दैट जो जनरली स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती है वो तो होती है दैट वी वांटेड टू स्टार्ट समथिंग बट हम कर नहीं पा रहे हैं, वी वांटेड टू मेक अ प्लान, इसके लिए स्पेसिफिक काम कैसे करें, वो कैसे करें, आई वांटेड टू अचीव दिस दैट सो एंड सो, बट कैसे करें। बट जितनी भी बुक्स मैंने अभी तक पढ़ी है लास्ट ईयर से अप टू नाउ, मुझे एक सबसे बेस्ट बुक लगती है विच इज एक्चुअली काइंड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स एंड आई लव टू शेयर अबाउट इट। सो हियर लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस वीडियो जिसमें हम बात करेंगे रोंडा ब्रेन की बुक सीक्रेट के बारे में। सीक्रेट, ओके, नाम काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा है एंड लगता है कि कुछ हमें खजाना मिलने वाला है। सो हियर आई विल बी एक्चुअली लिस्टिंग द दैट पर्टिकुलर बुक सो यू कैन ऑर्डर इट, डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक मैं डाल दूंगी। सीक्रेट किताब वैसी नहीं है जैसा कि लोगों को लगता है और इन द बिगनिंग इट साउंड करता है। इफ यू आर द वन जिसने कभी नाम नहीं सुना होगा उसको लगेगा कि यार इसमें कुछ सीक्रेट है, समथिंग दैट नैरेटर एक्चुअली ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस, विच इज यू नो द सीक्रेट बुक्स एक्चुअली कंप्लीटली बेस्ड अपॉन आर इंटरनल सोल यू कैन से और आर इंटरनल फीलिंग्स यू कैन से और बेस्ड ऑन द यूनिवर्स, लाइक वट एवर यू अज्यूम और वट एवर वे आप तरीका उसके लिए अपनाते हो, इन दैट वे दैट थिंग इज गोइंग टू बी फॉलो अप टू यू। फॉर इंस्टेंस लेट्स सपोज आई एम एक्चुअली क्रेविंग टू गेट अ रियली बिग हाउस, ओके, एंड इसके लिए सिर्फ क्रेविंग काफी नहीं होना जरूरी है, सिर्फ इच्छा होना जरूरी नहीं है, इट इज समथिंग फॉर दैट यू नीड टू एक्चुअली पुट एफर्ट। एंड अगर आप एक स्टेप आगे रखते हो दैट आप जो अपने आप से एक पॉजिटिव रेडिएशन क्रिएट कर रहे हो वो डायरेक्ट यूनिवर्स से क्रिएट होती है और वो यूनिवर्स से कनेक्ट होती है एंड फ्रॉम देयर यू गेट अ रिस्पॉन्स। तो अगर आप एक स्टेप रखते हो तो एक स्टेप आपके लिए और आसान हो जाता है, आपने एक स्टेप रखा यूनिवर्स एक्चुअली हेल्प यू टू एक्चुअली वॉक through the another step. So secret book is all about that if there is any secret like lies you can say in order to attain any kind of a goal or a success or a plan or to desire anything, ye hamare sath hi hai. We are actually secret, we are special, it is something that everything lies upon you. I cannot forget the importance of positivity into my life since class 11th I'm making videos. Aaj mujhe 5 saal ho chuke hain videos banate and ek cheez main bol sakti hu, my positive attitude helped me a lot. मैंने देखा है जब भी मैं थोड़ा भी नेगेटिव होती हूँ मेरे काम में उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इट इज समथिंग जो मैंने डॉट्स कनेक्ट करना सीखा है पिछले 5 सालों में, विच इज समथिंग दैट एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट इज गोना हेल्प मी अ लॉट इन फ्यूचर एज वेल। मतलब हाउ थिंग्स आर एक्चुअली गोइंग टू बी रादर देन ब्लेमिंग समवन एल्स कि ये वर्कआउट नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ, मेरे पास पैसे नहीं थे एंड सो ऑन, इट इज समथिंग दैट यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल। कभी भी देख लेना जिस इंसान ने खुद से चीजें बनाई होंगी या खुद से मेहनत की होगी कुछ पाने के लिए वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि दिस पर्सन वॉज एक्चुअली द रीजन, वरना मैं तो कर लेती या कर लेता, ठीक है। अदरवाइज आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो हमेशा अपनी सक्सेस के लिए दूसरों को क्रेडिट देंगे एंड दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू डू बिकॉज यू कैन नॉट ग्रो विदाउट अदर्स एंड ऑल्सो इट इज ट्रू दैट इट इज समथिंग दैट शुड बी योर डिजायर। फर्स्ट सेमेस्टर मुझे याद है मेरे ग्रेजुएशन का था 2019 में, दैट टाइम आई डिसाइडेड कि मुझे यूपीएससी नहीं करनी है। Why so people say, अभी भी लोग कहते हैं कि यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी इट वुड बी अ गुड, बट हमेशा से मेरे दिमाग में एक चीज चलती है कोई पॉइंट नहीं है एटलीस्ट मेरे लिए, क्योंकि मुझे मजा नहीं आता उसको काम कर उस पर्टिकुलर काम को करने में, और जब मुझे ही मजा नहीं आ रहा हो वो इंटरनल फील नहीं आ रही है देन देयर इज नो पॉइंट टू डू इट। सो समथिंग आप जो डीप, कई बार होता है ना हम इन्फ्लुएंस की वजह से चीजें सिर्फ बोलते हैं बट इंटरनल डिजायर हमारा वो करने का नहीं है, तो जब आप खुद से नहीं चाहोगे तो एक पॉजिटिव रेडिएशन क्रिएट नहीं होगी और उस पॉजिटिव की जैसे यूनिवर्स को वो मैसेज नहीं मिलेगा और यूनिवर्स विल नॉट बी एक्चुअली कोऑपरेटिंग विद योर विल, यू आर जस्ट डूइंग समथिंग इन टू विच यू एक्चुअली डोंट वांट टू डू और योर हार्ट डजंट लाई फॉर इट। सो इन दिस वे थिंग्स आर एक्चुअली गोइंग टू वर्क। राउंड द ब्रेन की एक किताब मैं एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार पढ़ चुकी हूँ एंड समटाइम्स व्हेन आई फील दैट सिचुएशन इज एक्चुअली बिकमिंग हार्श फॉर मी एंड इज गोइंग टू डिफिकल्ट, आई एक्चुअली बिलीव टू कीप गोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर बुक बिकॉज ये ऐसी किताब है जो आप पढ़ोगे ना तो आपको रियलाइज होगा दैट हे यू आर नॉट यूजलेस, यू आर नॉट ट्रैश, यू आर एक्चुअली समथिंग, सो यू नीड टू वर्क मोर इन ऑर्डर टू मेक योरसेल्फ समथिंग।
And that's it for today's video. Do let me know in the comment section if you like this one. Rana Brink ki kitab description box mein iska link dal dungi. You must check out it at least once. Hit the like button, share this video and subscribe to Ayushya Bhatt Krati. Agar aap mujhse chahte hain ki main kisi aur kitab ka review kare, otherwise aap genre specific book chahte hain, for instance leadership, time management and so on, I will have to suggest you books regarding that one because maine pichle 3 saal mein bahut sari kitabein padhi hain. So yes, bye bye for now. Milenge hamare agle video.